नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। परियों की एक अलग ही दुनिया थी, जिसे परियों ने अपने जादू से खूब सजाया था। स्वर्ग से भी सुंदर शहर बनाया था, जिसमें हर परी खुशी रहती थी। सभी परियों को अच्छे से जादू करना आता था। रानी परी ने सभी को एक छड़ी दी थी। वही जादुई छड़ी से सभी इस जादू से दुनिया को बसाई थी। पूरी पृथ्वी पर हर इंसान एक बार इस दुनिया में जाना चाहता था, लेकिन किसी के बस में ये बात नहीं थी। रानी परी एक छोटी सी बेटी थी, बहुत खूबसूरत थी। वह पूरे दिन परीलोक में उड़ती रहती थी। खुशबू नाम था उसका। खुशबू के पास एक छोटी सी छड़ी थी, जिसे जब भी वह ऊपर करके कहती थी मुझे आसमान में ले चलो, तो वह आसमान में पहुंच जाती थी। ऊपर से देखने पर परीलोक बहुत ही सुंदर नजर आता था। एक दिन खुशबू उड़ रही थी, तभी वह उड़ते उड़ते अचानक बादलों से ऊपर पहुंच जाती है। उसे नीचे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, नीचे उसे केवल बादल ही बादल नजर आ रहे थे। कुछ देर बाद जब वह नीचे की ओर देखती है तो वह परीलोक से भी पृथ्वी की ओर जा चुकी थी। खुशबू बहुत डर जाती है, वह वापस परीलोक जाने के लिए मुड़ती है। तभी वह एक पक्षी से टकरा जाती है। टक्कर होने के कारण उसके हाथ से छड़ी छूट जाती है और वह नीचे गिर जाती है। खुशबू को अपनी छड़ी ढूंढने के लिए धरती पर उतरना पड़ता है, क्योंकि वह उस छड़ी को खो जाने पर उसकी जादुई शक्तियां कुछ काम नहीं करती हैं। खुशबू जब नीचे आती है तो वह एक जंगल था। खुशबू बहुत डर जाती है। वह एक घास के मैदान में जाकर अपनी छड़ी ढूंढने लगती है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी जब छड़ी नहीं मिलती है तब वह रोने लगती है। दूसरी ओर खुशबू के न मिलने पर रानी परी बहुत चिंतित हो जाती है। वह अपने सिपाहियों को ढूंढने के लिए आदेश देती है। खुशबू परी की रोने की आवाज सुनकर पास ही एक लकड़हारे की पत्नी जाग रही थी। वह अपने पति से कहती है, मुझे लगता है कोई बच्चा रो रहा है। यह सुनकर लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी उठाकर बाहर चल देता है। तभी देखता है 5 साल का बेटा मोहित कहता है, पिताजी मैं भी आपके साथ चलूंगा, कहीं यह कुल्हाड़ी देखकर बच्चा डर ना जाए। दोनों बाप बेटे उस दिशा में चले जाते हैं जहां से आवाज आ रही थी। लकड़हारे को एक छोटी सी परी रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। वह उसके पास जाने लगता है। तभी मोहित कहता है, रुको पिताजी मैं जाकर पूछता हूँ। लेकिन लकड़हारा कहता है, नहीं बेटा, कहीं इनसे तुम्हें नुकसान न पहुंच जाए तो क्या होगा। मोहित कहता है, पिताजी वह कितनी परेशान लग रही है, मुझे जाने दीजिए ना प्लीज पिताजी। मोहित चुपचाप उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और उनसे पूछने लगता है, तुम कौन हो, यहाँ कैसे बैठी हो और तुम क्यों रो रही हो। खुशबू परी पीछे मुड़कर देखती है तो डर जाती है, वह बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। तभी मोहित उसे रोकता है, रुको परी रानी मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। खुशबू परी कहती है, माँ ने कहा था इंसानों के पास नहीं जाना चाहिए। मोहित उससे कहता है, मेरी माँ कहती है कि कोई भी परेशानी में उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। वहाँ मेरे पिताजी खड़े हैं, वो भी तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। यह सुनकर खुशबू परी कहती है, मैं गलती से अपने घर से बाहर दूर चली गई थी, यहाँ मेरी जादू छड़ी गिर गई है जिसके कारण मैं घर नहीं जा पा रही हूँ। मोहित उसे कहता है, तुम हमारे घर चलो, वहाँ रुक जाना, अभी तो रात है, हम सुबह तुम्हारे छड़ी ढूंढ लेंगे। यहाँ बहुत से जंगली जानवर भी आते हैं तो तुम्हारे लिए नुकसान पहुँचा सकते हैं। खुशबू परी कहती है, उसके साथ चल देती है। मोहित अपने पिता को सारी बात बता देता है और तीनों घर पहुंच जाते हैं।
मोहित की माँ छोटी सी परी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, खुशबू तुम हमारी मेहमान हो, यहाँ आराम से रहो। लेकिन सुंदर और सुबह ही होने लगती है, तुम्हें देख लिया तो मुझे पकड़ ही लिए जाओगे। खुशबू बहुत परेशान हो जाती है। मोहित की माँ उसे खाना देती है, जिससे खाना खाकर खुशबू कहती है, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, मैं अपनी माँ को बताऊंगी। अगले दिन सूरज निकलने ही मोहित अपने पिता के साथ छड़ी को ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें छड़ी नहीं मिलती है। शाम को दोनों थक हार कर घर आ जाते हैं। खुशबू को यह सुनाकर खुशबू बहुत उदास हो जाती है। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी, वह रोने लगती है। मोहित और उसकी माँ उसे चुप करा देते हैं। अगले दिन दोनों बाप बेटे फिर से नई जगह छड़ी को ढूंढने जाते हैं। जब उन्हें कहीं भी छड़ी नहीं मिलती है तो वे अपने घर के लिए आ जाते हैं। खाने का सामान भी बाजार से लाते हैं। लकड़हारा जब सामान खरीद रहा था, तभी मोहित की नजर पास ही एक सुनार की दुकान पर पड़ती है। एक छड़ी की ओर जाती है, जो भय सोने की तरह चमक रही थी। मोहित देखता है कि यह तो बिल्कुल वही छड़ी है जैसी परी के बताई थी। मोहित अपने पिता को सारी बात बता देता है। लकड़हारा सुनार के पास पहुंच जाता है। लकड़हारा छड़ी के बारे में पूछता है तो सुनार कहता है, भाई कोई इसे मेरे पास बेच कर गया है। लकड़हारा कहता है, लाला जी इसकी जो भी कीमत हो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ और मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। सुनार इसकी बात बहुत ज्यादा कीमत लगाता है, जिसे सुनकर लकड़हारा कहता है, तुम इस छड़ी के बदले मेरा मकान मेरी जमीन ले लो। सुनार मान जाता है। वह लकड़हारे से कहता है, कल मैं जाऊंगा, तू मकान खाली कर देना, ये लो छड़ी, और छड़ी उन्हें दे देता है। मोहित छड़ी लेकर खुशबू के पास जाता। खुशबू बहुत खुश हो जाती है। दोनों घर जाते हैं और खुशबू को छड़ी दे देते हैं। खुशबू छड़ी पाकर बहुत खुश थी। खुशबू परी से कहती है, आपने मेरी मदद की है, आपको हमेशा याद रखूंगी और आपसे मिलने आऊंगी। मोहित की माँ कहती है, ठीक है बेटी, हम भी तुमसे मिलने के लिए बहुत खुश रहेंगे। तीनों मिलकर खुशबू परी को विदा करते हैं। खुशबू परी छड़ी की मदद से उड़कर बादलों को पार कर चली जाती है। उसके जाने के बाद वो तीनों उदास हो जाते हैं, क्योंकि उनका घर और जमीन भी चली गई थी। सुबह तक तीनों अपना सामान बांध रहे थे, तभी सुनार आ जाता है। तीनों एक बैलगाड़ी में अपना सामान रखकर वहां से चले जाते हैं। सुनार घर को अपने कब्जे में लेने आ जाता है। लकड़हारा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ पास ही जंगल में एक तंबू बनाकर रहने लगता है। दूसरे ओर जब खुशबू वापस परिलोक पहुंच जाती है तो उसकी माँ बहुत खुश होती है। खुशबू अपनी माँ को सारी बात बताती है। दूसरे दिन खुशबू अपनी माँ रानी परी को अन्य लोगों के साथ मोहित और उसके परिवार से मिलने आती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। परी अपने साथियों को उन्हें ढूंढने के लिए कहती है। सिपाहियों ढूंढते ढूंढते जंगल पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें लकड़हारा और उसका परिवार मिल जाता है। वे तीनों लेकर रानी परी के पास पहुंच जाते हैं। रानी परी सारी बात का पता लगाकर रानी परी कहती है, तुमने मेरी बच्ची की जान बचाने के लिए, उसे हमने मिलवाने के लिए अपना सब कुछ गवा दिया है। तब मोहित की माँ कहती है, महारानी जी हमें इसने अपनी बेटी माना था, ये आपसे मिलने के लिए बहुत उदास थी, इसलिए इसकी खुशी के लिए हमें कुछ भी नहीं लगा।
रानी परी अपने सहपाठियों को भेजकर सुनार को छड़ी का दुगना सोना भेजकर मकान और जमीन छुड़वा लेती है। मोहित और उसके परिवार को वापस अपना घर मिल जाता है। जब वे घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें सोने चांदी का भंडार लगा हुआ मिलता है। रानी परी कहती है, ये खजाना कभी खाली नहीं होगा। मोहित की माँ कहती है, ये सब हमने किसी लालच में नहीं किया था। रानी परी बोली, ये मैं अपनी खुशी से तुम्हें दे रही हूँ, और हाँ, हम तुमसे मिलने आते रहेंगे, अब हमें जाना होगा। रानी परी खुशबू को लेकर चली जाती है। मोहित और उसका परिवार बहुत मजे से रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती हो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नमस्कार दोस्तों।